सही बच्चों नमस्कार, मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों हम पढ़ेंगे अति चालकता सुपर कंडक्टिविटी। अति चालकता क्या होती है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम चालक पहले पढ़ चुके हैं, चालक मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती, आसानी से धारा प्रवाहित होती, उसको हम चालक कहते हैं। और ये हमारे पास अति चालक, अति चालक का मतलब जिसमें बहुत अधिक धारा प्रवाहित होगी। और यदि अपन किसी भी चालक का यदि हम प्रतिरोध को शून्य कर देते हैं तो उसमें धारा का मान बहुत अधिक प्रवाहित होता है, तो वो जो कंडीशंस होती है उस कंडीशंस को हम बोलते हैं अति चालकता। यदि प्रतिरोध का मान यदि हम जीरो कर देते किसी भी चालक का तो धारा के मार्ग में कोई भी रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। प्रतिरोध क्या करता है, धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। तो यदि किसी भी चालक का यदि प्रतिरोध को यदि हम जीरो कर देते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध को यदि हम शून्य कर देते हैं तो क्या होगा कि यदि एक बार धारा प्रवाहित कर दो धारा हमेशा चलती रहे। क्यों? क्योंकि धारा के मार्ग में कोई भी रुकावट डालने वाला कारक नहीं होता है। तो उस स्थिति को हम या उस गुण को या उस घटना को हम अति चालकता कहते हैं। वो जो पदार्थ लिया जाता है जिससे ये प्रतिरोध शून्य होता है जिन पदार्थों का, उन पदार्थों को हम अति चालक के नाम से जानते हैं। तो अति चालक का मतलब समझ आ गया होगा कि वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य होता है, या कह सकते हैं कि चालकता अनंत होती है, प्रतिरोध शून्य, या कह सकते हैं कि चालकता प्रतिरोध एक दूसरे के विक्रम पात्र उल्टे होते। तो या तो कहो कि प्रतिरोध शून्य, या कहो कि चालकता अनंत होती है, ऐसे पदार्थ को हम अति चालक पदार्थ कहते हैं। और इस घटना को जिसमें चालकता अनंत होती है या प्रतिरोध शून्य होता है अति चालकता कहलाती है। ये जो घटना थी सर्वप्रथम 1911 में एक वैज्ञानिक ने नीदरलैंड के केमलिन ओन्स इनके द्वारा खोजी गई थी सर्वप्रथम। और ये जो घटना जो खोजी गई थी, सामान्यतः एकदम पदार्थ का तापमान धीरे धीरे कम किया जाता है, और उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम पढ़ चुके हैं कि तापमान को यदि हम कम करते हैं तो प्रतिरोध का मान भी घटता जाता है। तापमान जैसे जैसे हम कम करते जाते क्या होता है, रेजिस्टेंस भी पदार्थ का क्या होता जाता है, घटता जाता है। तो और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि तापमान किसी निश्चित ताप पर उस चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है। किसी निश्चित ताप पर क्या होता है, जो भी कंडक्टर हमने ले रखा है उसका प्रतिरोध कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। उस ताप को हम बोलते हैं क्रांतिक ताप, उस ताप को हम बोलते हैं क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप किसको कहेंगे कि जिस ताप पर किसी भी चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है उस ताप को हम बोलते हैं क्रांतिक ताप। यहाँ पर ग्राफ में क्रिटिकल एंगल यहाँ टीसी के द्वारा प्रदर्शित कर रखा क्रांतिक ताप, ये शब्द बार बार आएगा क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप किसको कहेंगे कि जिस ताप पर किसी भी चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है उस ताप को हम क्रांतिक ताप कहते हैं। अब इसकी जो खोज 1911 में की थी, है ना, और ये जो मरकरी जो होता है, मरकरी के लिए जो क्रांतिक ताप का मान उन्होंने निकाला था 4.2 केल्विन, यानी 4.2 केल्विन ताप पर मरकरी एक अति चालक बन जाता है। मतलब बहुत कम टेम्परेचर, 4.2 केल्विन मतलब इसमें -273 यदि करेंगे तो बहुत कम टेम्परेचर होता है। तो 4.2 केल्विन ताप पर जो मरकरी होता है, पारा होता है, वो एक सुपर कंडक्टर की तरह बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है। यानी आप कह सकते हो कि जो 4.2 तक यदि किसी का टेम्परेचर अपने डाउन करते हैं केल्विन में, न कि डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना केल्विन में, मतलब -273 +4.2 है तो 269 के लगभग माइनस में, इतना यदि डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर माइनस में कर दिया, -269 के लगभग यदि टेम्परेचर को डाउन कर दिया माइनस में, तो उस कंडीशंस में जो पारा होता है, वो पारा जो होता है एक सुपर कंडक्टर बन जाता है, कहने का मतलब अति चालक बन जाता है। उस समय उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है, वो चालकता अनंत हो जाती है। तो ये जो गुण होता है उस गुण को हम क्या कहेंगे, अति चालकता कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अति चालकता किसको कहेंगे कि वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य या चालकता अनंत होती है अति चालक पदार्थ कहलाएंगे। जिस ताप पर पदार्थ की
या चालक की चालकता शून्य हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, या प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, उस ताप को हम क्रांतिक ताप कहते हैं। जैसे जैसे किसी पदार्थ का तापमान हम या चालक का तापमान कम करते जाते हैं, प्रतिरोध का मान कम होता जाता है और एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है, उस ताप को हम क्रांतिक ताप कहते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, 1911 में केमल ने कौन से ने इसकी खोज करी थी और वो कौन सा पदार्थ था, चालक था अपने पास पारा। उसके बाद बहुत सारे पदार्थ इसमें लिए गए, शीशे का क्रांतिक नाप निकाला गया, नियोबियम का भी निकाला गया, अलग अलग वैज्ञानिकों ने फिर अलग अलग प्रयोग किए थे और उसके आधार पर अलग अलग पदार्थ की क्रांतिक ताप निकाले गए थे और उसके बाद में अतिचालक की घटना प्रदर्शित होने लगी थी। तो इसका फायदा क्या है, वह अतिचालक की खोज होने पर इसका मतलब उपयोग क्या है, तो हम उपयोग देखेंगे इसका उपयोग क्या क्या है। तो सबसे पहला उपयोग है, अतिचालकों का उपयोग अत्यंत प्रबल विद्युत चुंबक बनाने में किया जाता है। जो पावरफुल मैग्नेट होते हैं जिसमें ऊर्जा की हानि बिल्कुल नहीं होगी, वहां पर ये अतिचालक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अतिचालक का मतलब एक बार यदि उसमें धारा प्रवाहित कर देती है, रेजिस्टेंस तो है, उसमें प्रतिरोध तो है नहीं, तो कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी। एक बार यदि मान लो पावर को सप्लाई कर दिया कहीं से भी, तो वो क्या होती है, हमेशा चलती रहती, रुकावट उत्पन्न नहीं होगी, तो खर्च नहीं होगी, तो हमेशा वो चलती रहेगी, खर्च नहीं होगी। तो इसका जो उपयोग होता है, पहला उपयोग दे रखा विद्युत चुंबक बनाने में। दूसरा हम देख सकते हैं कि जो सुपर कंप्यूटर होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर में भी इसका उपयोग किया जाता है, कंडक्टर सेमीकंडक्टर का उपयोग या सुपर कंडक्टर का उपयोग करते हैं। तीसरा उपयोग विद्युत शक्ति के प्रेशर में, यानी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करने में इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊर्जा की हानि होती है बहुत कम होती, क्योंकि रेजिस्टेंस है तो ऊर्जा की हानि बहुत कम होगी, इसलिए ऊर्जा को या बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में इसका उपयोग करें। पहला उपयोग हमने देखा इसमें पावरफुल मैग्नेट बनाने हैं, दूसरा हमने सुपर कंप्यूटर में, तीसरा उपयोग हम देख रहे हैं कि बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करने में भेजने में इसका उपयोग किया जाता है, और चौथा उपयोग जो होता है धातु उद्यान मेटल जो साइंस होता है, और ऊर्जायुक्त कणों को शोध करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पावर क्योंकि एनर्जी ज्यादा होती है तो इसका उपयोग जो होता है उच्च ऊर्जायुक्त कणों की भौतिकी के शोध में इसका उपयोग किया जाता है, रिसर्च में इसका उपयोग करते हैं। तो ये इसका अलग अलग उपयोग अपने को मालूम होना चाहिए। यहाँ पर एक ग्राफ बना रखा है, ये पहला ग्राफ जो है हमारे पास में चालक पदार्थ का है और दूसरा मेटल का है, ये मेटल वाला है, और ये वाला जो ग्राफ, ये ग्राफ हमारे पास सुपर कंडक्टर का है। तो ग्राफ को समझना है कि ग्राफ क्या होता है, कि जो ग्राफ हमने यहाँ बना रखा है, ये ग्राफ से क्या प्रदर्शित हो रहा है कि जैसे मान लो टेम्परेचर ये रेजिस्टेंस है और यहाँ ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर अधिक होगा रेजिस्टेंस भी अधिक होगा। जैसे जैसे अपन टेम्परेचर कम करते जाते हैं ग्राफ नीचे आते जा रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, मतलब टेम्परेचर को यहाँ किया, मतलब टेम्परेचर को इतना किया तो हमारे पास रेजिस्टेंस इतना होगा, टेम्परेचर को यहाँ किया तो रेजिस्टेंस इतना होगा, इतना होगा, टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाया तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, बिल्कुल जीरो हो जाएगा। तो इस ताप पर ये यहाँ टेम्परेचर जो आएगा इस ताप पर रेजिस्टेंस कितना होगा, जीरो होगा, तो इस ताप को हम क्रांतिक ताप कहते हैं। यानी कहने का मतलब जैसे जैसे अपन तापमान कम करते जाते हैं क्या होता रहता है, प्रतिरोध का मान कम होता जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि उस चालक का प्रतिरोध शून्य हो जाता है और उस चालक को ही हम अतिचालक कहेंगे, और जिस ताप पर ये प्रतिरोध शून्य होगा उसको हम अतिचालकता कहते हैं। इसकी खोज केमलिन वोन्स ने की थी 1911 में, ध्यान रखना, और 1913 में इनको इसी पर आधारित जो है इस सुपर कंडक्टिविटी के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। इनके उपयोग याद होना चाहिए, पावरफुल मैग्नेट बनाने में, दूसरा सुपर कंप्यूटर में, तीसरा पावर बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने में, और ऊर्जायुक्त जो नाभिकीय भौतिकी या अन्य फिजिक्स में जिसमें रिसर्च किए जाते हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। देखो चालक और अतिचालक में क्या अंतर होता है कि चालक का कुछ प्रतिरोध होता है जिसके कारण से धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न होती है, लेकिन अतिचालक में क्या होता है कि अतिचालक का कोई प्रतिरोध नहीं होता है। अतिचालक का कोई प्रतिरोध नहीं होने के कारण से धारा के मार्ग में कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होती है। तो अतिचालकता का जो कारण बताया गया है कि अतिचालकता का गुण क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो युग्म के रूप में कपल के रूप में चलने लगते हैं, बन जाते हैं, दोनों जोड़े के रूप में चलते हैं, जिसके कारण से जो चालक पदार्थ होते हैं इतने ठंडे हो जाते हैं कि वो पास पास में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पास पास में आने के कारण से वो कपल यानी जोड़े के रूप में चिपक के चलने लगते हैं, जिसके कारण से
उस चालक में किसी प्रकार से कोई टक्कर नहीं होती है, कोई प्रतिरोध या रुकावट उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए जो अति चालक पदार्थ होते हैं उनका टेम्परेचर पहले बहुत कम किया जाता है ताकि वो इलेक्ट्रॉन या जो जो भी उसमें धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो पास पास में कपल के रूप में या जोड़े के रूप में एक साथ वो जोड़ कर चलने लगते हैं, जिसके कारण इसमें कोई टक्कर नहीं होती है और जब टक्कर नहीं होगी तो कोई प्रतिरोध उत्पन्न या रुकावट उत्पन्न नहीं होती है। इसलिए चालक पदार्थ मतलब जिसमें धारा प्रवाहित होती है चालक, अति चालक में भी धारा प्रवाहित होती है, लेकिन दोनों में क्या अंतर होता है, चालक में धारा कम प्रवाहित होगी क्योंकि उसका कुछ प्रतिरोध होगा, अति चालक में धारा बहुत अधिक प्रवाहित होगी क्योंकि उसका कोई प्रतिरोध नहीं होता है। सामान्य हम सोना चांदी तांबा जो देखते सब चालक पदार्थ होते हैं, चांदी को हम सबसे अच्छा चालक पदार्थ मानते हैं लेकिन उसके तार हम उपयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत महंगी धातु होती है। तो और अति चालक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी धातु जो भी धातु जैसे पारा है या नियोमियम है इनका टेम्परेचर को बहुत डाउन करना पड़ता है, बहुत कम करना पड़ता है, -270 -265 यानी इतना टेम्परेचर कम करके फिर उसको अति चालक बनाया जाता है। तो इस तरह से हम अति चालक बना सकते हैं। सामान्यतः जो अति चालक होता है वो इतने टेम्परेचर का बनाना संभव नहीं होता, माइनस टेम्परेचर में नहीं बना पाते, इसलिए सामान्यतः जो होता है वो अति चालक बना नहीं सकते हम क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम करना पड़ता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।